नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गौ माता के प्रति प्रेम हमेशा से देखने को मिला है। जब कभी वो गोरखपुर जाते हैं तो अपने हाथ से ही गौ सेवा करते नजर आते हैं। बताते चले कि गौ संरक्षण व उनकी सुरक्षा के यूपी के सीएम ने यूपी में भी गौ सेवा आयोग का गठन कर झांसी के श्याम बिहारी गुप्ता को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं बता दें कि किसान समृद्धि विद्यापीठ के संस्थापक श्याम बिहारी गुप्ता को उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। नवसृजित पद पर बैठे श्याम बिहारी को खेती से बेहद लगाव है। जानकारी के मुताबिक श्याम बिहारी देश के तकरीबन 80% राज्यों में जाकर कृषि, गौपालन व समग्र ग्राम विकास के बारे में गहरा अध्ययन किया है। आयोग के अध्यक्ष के साथ ही बस्ती जिले के महेश कुमार शुक्ला और कुशीनगर जिले के जसवंत सिंह उर्फ अतुल सिंह को आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं मुरादाबाद जिले के रहने वाले दीपक गोयल, फिरोजाबाद जिले के रमाकांत उपाध्याय और महोबा जिले के राजेश सिंह सेंगर को आयोग का सदस्य नामित किया गया है। वहीं लखनऊ के इंदिरा भवन 8वें तल पर बने गौ आयोग के कार्यालय में हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव ने गायोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता से गौ संरक्षण व निराश्रित गौवंशों के बारे में बात की। आइए आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौ सेवा को लेकर के आयोग का गठन किया, उसमें 6 लोग शामिल हैं। अभी हमारे साथ जिनको पदभार मिला हुआ अध्यक्ष हैं श्याम बिहारी गुप्ता जी, आपसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपको इतना बड़ा दायित्व मुख्यमंत्री जी ने दिया है। आगे आपकी क्या रणनीति होगी गौ सेवा को लेकर? गाय संरक्षित भी होगी, गाय समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। उत्तर प्रदेश में 1,90,00,000 गौवंश है, 2,59,00,000 किसान हैं। किसानों की समृद्धि में गाय की बहुत बड़ी भूमिका होगी। पूरे प्रदेश में 1,000 से अधिक बहुत अच्छे किसानों ने मॉडल बनाए हुए हैं जहां गौ आधारित प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। पूज्य योगी सरकार ने बुंदेलखंड को गौ आधारित खेती के लिए चयन किया है। 23,500 हेक्टेयर में वहाँ गौ आधारित प्राकृतिक खेती हो रही है। इसके अलावा गंगा जी जो बिजनौर से लेकर बलिया तक जो उत्तर प्रदेश से निकली हुई है, वहाँ के 1,038 गाँव में भी गौ आधारित प्राकृतिक खेती का काम चल रहा है। इसके अलावा भी अन्य जिलों में गौ आधारित प्राकृतिक खेती को कृषि विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। तो यदि हर किसान एक गाय यदि पालता है तो 2,59,00,000 गाय चाहिए, जबकि गाय 1,90,00,000 है। तो एक किसान एक गाय अभियान का जो सूत्र है उसको लेके हम लोग काम करेंगे कि हर किसान के पास गाय हो, उसके पास से 7 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर से जो प्राकृतिक खेती के जो घटक हैं, जीवामृत है, बीजामृत है, घनजीवामृत है, कीट नियंत्रक है, बायोगैस है, ये इनके माध्यम से हम गाय को इतना उपयोगी बना देंगे कि गाय दूध दे या ना दे, बूढ़ी से बूढ़ी गाय, बूढ़े से बूढ़ा बैल, बैल खेती करे या ना करे, तो भी केवल गोबर गौमूत्र से लोग गाय को बैल को पालेंगे। और इससे हम प्राकृतिक कृषि के माध्यम से प्राकृतिक खाद्यान्न हर किसान अपने बच्चों को देगी, हर माँ अपने बच्चों को केमिकल फ्री भोजन देगी, तो इससे अस्पतालों की संख्या जो बढ़ रही है वो रुकेगी, चिकित्सा का खर्चा कम होगा, खेती का खर्चा कम होगा। इस पद्धति में पानी केवल 25% लगता है तो पानी की समस्या का भी निदान होगा। और गोवंश हमारी समस्या नहीं, उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान गौ माता का होगा। हम धन्यवाद देते हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को कि जिन्होंने 2017 में सरकार बनते ही पहले दिन जो निर्णय लिया, उन्होंने कत्लखाने बंद किए, तस्करी बंद की गौवंश की, और आज जो है गौवंश जो हमारे पास में उपलब्ध है, इससे हम समृद्धि की तरफ प्रदेश को ले जाने का काम करें। सर, अभी भी आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, निराश्रित गौवंश हैं जो अभी सड़कों पर देखे जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि उनके लिए वो ठिकाना नहीं मिल पा रहा है, वो समस्याएं उनको जूझनी पड़ रही हैं क्योंकि उनका उनका पेट भी नहीं भर रहा है, बाहर पॉलीथीन वगैरह इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल उनको करने से बीमारियाँ भी हो रही, तो उसके लिए आयोग क्या करेगा? देखिए, अभी 30 रुपये प्रति गाय प्रति गौवंश दिया जाता था, अब महाराज जी ने 50 रुपये प्रति गाय प्रति गौवंश के हिसाब से कर दिया है। और हम लोग हरे चारे पर काम करेंगे, हम लोग गौशालाओं पर गोबर गैस लगवाने का काम करेंगे, किसानों के खेतों पर गोबर गैस लगवाने का काम करेंगे, जिससे गोबर गौमूत्र कचरा गोबर गैस में जाएगा, उससे बदलेगी बदले में बनेगी खाद, जो जिसको हम सिलरी तरल खाद कहते हैं, वो सिलरी तरल खाद हम किसानों को देंगे, किसानों से हरा चारा गौशालाओं को लेंगे। तो हमारा ये बाटर सिस्टम होगा कि हम देंगे उनको खाद, हम देंगे उनको पेस्टिसाइड, उसके बदले में हमें किसान से मिलेगा हरा चारा। तो हमारे हरा चारा के माध्यम से हमारी गायों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वस्थ रहेंगी, भरपूर उनका जो है दूध भी निकलेगा, अच्छी नस्ल संवर्धन का काम होगा। और अभी नई स्कीम जो है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना सरकार ने चालू की है पशुपालन विभाग ने, जिसमें 2 गाय की और 25 गाय की स्कीम को सरकार ने लागू किया है।
उस गौवंश के माध्यम से ब्रीडिंग सेंटर बनाने का काम हो रहा है। अच्छी गाय विकसित करना, अच्छे बछड़े विकसित करना, अच्छे सांड विकसित करना, बढ़िया एक मॉडल ऐसे सेंटर बनाना जो गौवंश को लेके कि जहाँ पर हर व्यक्ति आकर्षित होगा कि गाय हमें पालना है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ मेरा सवाल जो था, सवाल ये था कि जो गौवंश सड़कों पर निराश्रित हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि आज भी अगर लखनऊ की ही सड़कों पर देखा जाए तो बहुत सारे गौवंश हैं जिनको लोग दूध लगाते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, वो बेसहारा इस तरीके से सड़कों घूमते हैं, कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं के साथ होती है। हम इस गौवंश को गौआश्रय स्थल में ले जाने की व्यवस्था बनाएंगे और गोबर और गौमूत्र बिके इसके लिए FPO और SHG पे काम करेंगे। यदि कोई भी किसान गाय बैल पाल रहा है तो उसको गोबर गौमूत्र से पर डे 50 रुपये 100 रुपये यदि मिलने लगता है तो लोग जो छुट्टा गौवंश है वो गौआश्रय स्थल नहीं जाएगा बल्कि किसान के घर चला जाएगा। हम लोग जल्दी ही पूज्य महाराज जी से मिलने वाले हैं कि जगह जगह गोबर और कचरे से गैस बने, खाद बने, खाद का प्रयोग हो, गैस का प्रयोग होगा, तो इससे जो है गौवंश इतना अधिक उपयोगी हो जाएगा कि लोग गौवंश को छुट्टा नहीं छोड़ेंगे। तो देखा आपने, हमारे सहयोगी रितेश श्रीवास्तव ने आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता से गौ संरक्षण व निराश्रित गौवंशों के बारे में खास बातचीत की और उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।